दोस्तों, क्या आपका फोन चोरी हो गया है या फिर कहीं पे गिर गया है या फिर कहीं पे खो गया है और आप उसको ढूंढना चाहते हो, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ढूंढना चाहते हो, तो यार आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आज इसी चीज को कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूं, अगर आपका जो फोन है वो ऑन है तो आपको किस तरीके से ढूंढना है, और अगर आपके फोन को चोर ने स्विच ऑफ कर दिया है तो उसको कैसे ढूंढना है। और दोनों ही मेथड्स के अंदर आपको अपने फोन के ऊपर पूरा कंट्रोल मिलने वाला है। आप उसकी लाइव लोकेशन पता कर सकते हो, आप चोर को वार्न मैसेज भेज सकते हो, और अगर आपको डर है कि चोर आपके जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, फोटोज या वीडियोज वगैरह वो देख लेगा, तो आप घर बैठे ही अपने फोन का सारा डाटा डिलीट कर सकते हो। पर अगर आपका फोन चोरी हुआ है तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है और अपने फोन का जो IMEI नंबर है वो वहां देना है और एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। अगर आपको अपने फोन का IMEI नंबर पता करना है तो आप अपने फोन के बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे IMEI नंबर क्लियरली मेंशन रहता है। पर अगर आपको वहां पे IMEI नंबर देखने को नहीं मिलता तो आप उसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने फोन के डायलर के अंदर जाना है और आपको नीचे दिया गया जो USSD कोड है वो वहां पे डाल देना है, तो आपको अपने फोन का जो IMEI नंबर है वो शो हो जाएगा। तो IMEI नंबर पता करके हमने पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट करा दी है। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं कि कैसे हम अपने फोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं। अगर आपका फोन अभी तक ऑन है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे हम अपनी जो फोन है उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो एक भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और ऊपर की तरफ जो सर्च बॉक्स है उसमें जाकर आपको फाइंड माई डिवाइस सर्च कर लेना है। अभी यहाँ सबसे ऊपर आपको Google Find My Device दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि नाम से ही पता चल गया होगा कि ये Google की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस डिवाइस में ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट से लॉगिन नहीं करना है, आपको यहाँ पर वो आईडी डालने हैं जो आपके उस मोबाइल में है जो कहीं पर खो गया है, इसलिए कंटिन्यू पर क्लिक ना करके हमें साइन इन एज ए गेस्ट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें उस फोन की लाइव लोकेशन दिखाई दे रही है और ये जो लोकेशन है वो उस फोन की एक्यूरेट लोकेशन है। यहाँ नीचे की तरफ हमें हमारे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेरे पास IQ Z6 है तो यहाँ पे मेरे डिवाइस का नाम शो हो रहा है। फिलहाल मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे वाईफाई का नाम आ रहा है, और नीचे की तरफ हमें बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है, और नीचे चलने पर हमें तीन कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले। मान लो कि आप लोकेशन ट्रैक करके उस जगह पहुंच गए हो जहां पे चोर है, जिसने हमारा मोबाइल फ़ोन चोरी किया है, और वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप प्ले साउंड पे क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोन अगर साइलेंट भी होगा तो वो फुल वॉल्यूम में रिंग करने लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है सिक्योर डिवाइस, इस पर क्लिक करते ही हमें दो डायलॉग बॉक्स देखने को मिलते हैं। पहले बॉक्स में आप वो मैसेज लिखिए जो आप चोर तक पहुंचाना चाहते हो। सेकेंड ऑप्शन में आप अपना अल्टरनेटिव नंबर डाल दीजिए। मान लो कि चोर अगर अपना मूड बदल ले और आपको आपका फ़ोन वापस करना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कर दीजिए और ऐसा करते ही आपका जो फ़ोन है वो लॉक हो जाएगा और स्क्रीन पर आपका जो लिखा हुआ मैसेज है और अल्टरनेटिव जो नंबर दिया है आपने वो आने लगेगा। और मान लो कि आप चोर को नहीं पकड़ पाते और आपको ये डर सताता है कि वो आपकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या फोटोज वीडियोस देख लेगा, तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशन के अंदर थर्ड ऑप्शन काम आएगा, इरेज डिवाइस। इस पे क्लिक करते ही हमारे फोन का जो सारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा है कैसे चुटकियों के अंदर हम अपने फोन को ढूंढ सकते हैं या उसकी जो लाइव लोकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं और कैसे चोर को वार्न मैसेज भेज सकते हैं। पर ये वाली जो ट्रिक्स है वो तभी काम करती है जब हमारा जो मोबाइल फोन है वो ऑन हो। पर आप सबको तो पता ही है कि चोर मोबाइल चुराते ही सबसे पहले उसको स्विच ऑफ करता है ताकि हम कैसे भी करके उसको ट्रैक ना कर पाए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं तो हमारा जो सेकंड मेथड है वो आपकी 100% हेल्प करने वाला है। चोर ने आपके फोन को स्विच ऑफ कर दिया हो या फिर फ्लाइट मोड के ऊपर डाल दिया हो, आप उसको कुछ ही सेकंड्स के अंदर ढूंढ सकते हो, उसकी जो लाइव लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हो और फोन अभी किसके पास है फोटो कैप्चर करके पता लगा सकते हो, उसको वार्न मैसेज भेज सकते हो, फोन का जो सारा डाटा है उसको लॉक कर सकते हो। पर अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ये सब बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ और जैसे ये टारगेट पूरा हो जाएगा मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में बताई हुई ट्रिक को यूज़ करना और कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो रही तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।